परम पूज्य परमपिता ब्रह्मस्वरूपी मेरा सादर नमस्कार। आज की तारीख है 20 मार्च 2012। मैं ये बताने के लिए बैठा हूँ, कल 19 मार्च 2012 सायंकाल में डॉक्टर एसएम सिंह प्रांगण में जो परम पूज्य रविशंकर जी के दर्शन करने गया था, दर्शन मिला, मैं भी पावन हुआ उनका दर्शन पाकर, उनके भाषण सुनकर बिल्कुल पावन हुए। तो वो थोड़ी सी जो मैं समझ सका ये बताने के लिए बैठा हूँ। सबसे पहले रविशंकर जी पीठासीन हुए और कुछ बातें पहले बोले हैं। भ्रष्ट मुक्त भारत, स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र वही होता है जो भ्रष्टता नहीं है, भ्रष्टता है वो स्वतंत्र नहीं है। ये स्वतंत्र भारत कैसे प्राप्त हो, तो इस प्रश्न उनने पहले ही उत्तर दिया। मैंने ये प्रश्न बोलकर भ्रष्ट मुक्त कैसे हो सकता है, अन्ना का मिशन चला लेकिन केवल कानून से नहीं चल सकता, नहीं बन सकता, साफ कहा यस नहीं हो सकता। फिर आगे बोले हैं, जनता को जागरूक करो तभी भ्रष्टता से मुक्ति। हाँ, प्रैक्टिकलिटी ये बहुत सही है, बहुत सही है। और मैं जज के रूप में मैं इनको आपके ये जवाब बिल्कुल सही घोषणा करता हूँ, तो 100 मार्क्स सैंक्शन करता हूँ इस बात पे। मैंने इनका बहुत सही है। दूसरी बात, बाबा रे एक पत्रकार ने पूछा था, बहुत सही सवाल किया था, बाबा रामदेव जो किए हैं वो सही है। प्रश्न भी बहुत सेंसिबल था, समयोचित था, जरूरी थी, बिल्कुल सही पॉइंट सही जगह उठाया। और परम पूज्य शिवशंकर जी का उत्तर भी बड़ी सटीक थी। ये कैसे, रामदेव जी के ऊपर आधी रात में असंवैधानिक हमला, क्या सही है, ये सवाल करे थे। बिल्कुल उनने जड़ पकड़ लिया, भ्रष्टता का मूल आधार पकड़ लिया। यस, ये भ्रष्टता को जो मूल आधार कहाँ से जीवन में शुरू हो रही है ये पकड़ सकता है तो वो रास्ता सही तय कर सकता है। तो मैंने तुरंत समझ लिया भाई ये आदमी जड़ तक पहुँच जाता है और सही पकड़ लेता है तो रास्ता तो सही बताएगा ना। एंड जीवन में भी यही, कहाँ आदमी को ट्रबल हो रहा है, फैमिली में कहाँ ट्रबल हो रहा है, जीवन में कहाँ उनके बाधाएं उत्पन्न हो रही है, जड़ तक पहुँचना जरूरी है। ये जड़ पहुँच लेता है तो सबका जीवन में अपनी तकलीफ दूर हो जाएगा उनके, ये मेरे को भरोसा हो गया, क्योंकि उनका डिसाइड करने का उनका मन का तरीका समझ गया, पहचाना, सो सही रास्ता पकड़ा, परम सत्य की ओर चलेगा, यही मूल मंत्र है आर्ट ऑफ लिविंग का, यह सही में मास्टरमाइंड है, इसमें दो राय नहीं, ही इज मास्टरमाइंड। हाँ, मेरा जजमेंट है, जवाब बिल्कुल सही, 100 नंबर देता हूँ। तो जब मैं अनाड़ी अज्ञानी लोगों को राहत पहुंचाने वाला, तुरंत राहत पहुंचाने वाला मानव कोटि का होता है, मानव समाज का होता है, यह प्रथम प्रूफ है, यह मानव है, पक्के मानव है, यह इसमें दो राय नहीं।
सच में सौभाग्यशाली शाम बनी मेरा रवि जी रूप में परमात्मा रूप पाकर। अब बहुत से लोग प्रश्न पूछते रहे, मैंने हाथ उठाया, मेरे को उनने इशारा किया हाँ बोलो, तो मैंने अपने सवाल रखा, सर इज मैन ह्यूमन और हैव यू एवर सीन ह्यूमन। उनने बोला यस, उत्तर बड़ी विचित्र लगी, मेरे को बहुत विचित्र लगी, क्योंकि सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि होना ही काफ़ी नहीं है, ज्ञान भी जरूरत है। ज्ञान मतलब प्रज्ञा ज्ञान, माया ज्ञान नहीं, प्रज्ञा ज्ञान मास्टर होना जरूरी है। हाँ बोथ आर सेम, मैन एंड ह्यूमन इज सेम, वी आर ऑल ह्यूमन। तो मैंने रोकी, मैंने तुरंत जवाब दिया, सर मैन इज सोशल एनिमल, मैन का इस तरह से कहा गया है, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन इज मैन विथ ह्यू साइंस हाई इज ह्यूमन। तो पीछे से आवाज आने लगी पत्रकारों का, वो ये कहने लगे ए वकील चुप हो जा, जब जानते हो तो क्यों बोल रहे हो। साहब मैं जानता हूँ, पत्रकार लोग भी सब जानते हैं, तो उनसे उगलवाना चाहते हैं इसलिए पूछते हैं ताकि एनालाइज कर सके। तो मैंने पूछा, मेरे को इजाज़त देने पर मैंने पूछा, ये वकील लोग रोक रहे हैं हमें पूछने के लिए। रवि जी ने मना नहीं किया मेरे को, मैं रवि जी को फेल कहने के लिए नहीं गया, मैं उनको उनके सत्य ज्ञान के टेस्ट में मैं पूछा हूँ। जब उनने ये कहा और सफाई देने लगे, ह्यूमन यस ह्यूमन बोलने दीजिए, बोले हाँ यस सर, ह्यूमन ऑफ ह्यूमैनिटी इज ह्यूमन। भाई ये कह रहे हो और कुछ, बस ह्यूमैनिटी जो होता है वो ह्यूमन है। भैया अब मेरे को अब अपने तर्क बोलने दीजिए। मैंने पूछा रामलाल का घर किधर है, तो श्यामलाल के घर के सामने। श्यामलाल का घर किधर है, रामलाल के घर के सामने, मतलब पूरा डमाडोल। मैंने पूछा मैग्नेट कैसा होता है, जो मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म पूछा जो मैग्नेट का भी होता है। अरे भाई मैग्नेट, ना मैग्नेट जानते हो ना मैग्नेटिज्म जानते हो। द आंसर इज 100% रॉन्ग। और मैं अब वहां तर्क का स्थल नहीं है, तर्क करने के लिए नहीं गया, मैं उनको एनालाइज करने गया हूं। इट इज, उनने जवाब गलत दिया। अरे भाई गलत देने पे आदमी गलत नहीं होता, मनुष्य मनुष्य होता, हमको मालूम है। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम बिकॉज आई आस्क्ड साइंटिफिक प्रूफ, साइंटिफिक, माय क्वेश्चन वाज साइंटिफिक। जब साइंटिफिक वर्ड समझ नहीं सकते हैं क्यों बकबक कर रहे हैं। वहां जितने लोग हैं साइंस में, साइंटिफिक में कितने लोग मतलब समझते हैं, इज साइंस साइंटिफिक, यस विच टाइप ऑफ साइंस, फाइव साइंस, फाइव साइंस इज साइंटिफिक, नॉट पाई साइंस, नॉट पाई साइंस, फाइव साइंस इज साइंटिफिक। सो दैट इज प्रज्ञा ज्ञान, मैं प्रज्ञा ज्ञान बोल रहा हूं। जब प्रज्ञा ज्ञान नहीं मालूम, इसका मतलब ये नहीं आदमी खराब है, मनुष्य खराब है, ऐसा नहीं है। प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त है तो साक्षात्कार राम का हो जाता है, साक्षात्कार कृष्ण जी का हो जाता है,
साक्षात्कार हनुमान जी का हो जाता है, साक्षात्कार हमें गरुकमंत जी का होता है। ओम गरुड़ध्वजं मंगलम पुंडरीकाक्षम महाविष्णु महामानव ब्राह्मण स्वरूप सामने आता है। और मैं कह तो सकता था, लेकिन मैं खुद को बहुत कुछ जान पाया हूँ, ये समझ रहा हूँ, पता नहीं कैसा क्या जाना हूँ, लेकिन गुरुजी जो कह रहे हैं मैं भी कहीं लुढ़का हूँ, तो सीखने गया था मैं सीखने के लिए गया हूँ, ना कि उनको भाषण देने गया हूँ। वो जो कह रहे हैं सही है, हमको सीखना है, क्योंकि हमारे अंदर कमी है और मेरा गुरु है, वो गुरुजी है, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन उनमें मेरा गुरु में थोड़ी सी कमियाँ पाता हूँ, तो मेरा बाध्यता होती है मेरे गुरुजी को बताऊँ। यदि मैं सही शिष्य हूँ तो मेरे को उनको उनके कान में डालना जरूरी है, लेकिन एक शिष्य के रूप में। और मैं ये सिद्ध करके दिखा सकता हूँ मैं एक नंबर का शिष्य हूँ। मैंने पूछा प्रज्ञा ज्ञान और उत्तर मिली मिथ्या ज्ञान, विद्या एजुकेशन आस नॉट 5 साइंस। मतलब मैं समझ गया ये साइंटिफिक थियोरीज नहीं जानते, साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे सकते। जो सवाल विवेकानंद जी से शिकागो में पूछा गया था 0 पे बोलो, उनने बोले, आखिरी में ये वो एक्सेप्ट करना पड़ा, परमात्मा को वैज्ञानिक प्रमाणिकता से प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो उतर आना पड़ा। मैं पूछ रहा हूं साइंटिफिक प्रूफ ऑफ गॉड, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ रिलीजियन, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ फिलॉसफी, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ थियोलॉजी, प्रज्ञा ज्ञान। मैं वेद का सबूत मांग रहा हूं, वेद वेदांत उपनिषद का सबूत मांग रहा हूं, उनको वेद बोलो तुम। वेद एक अक्षर एक वर्ड है, वो कंपोजिशन है, हर अक्षर का मतलब समझो तब पूरा होता है। ओम भू भू स्वः पूरा गिनाते रहो, लेकिन एक एक अक्षर का मतलब तो जानो, तोता शरीर का रटे जा रहा हो इसे क्या मतलब होता है, वो जाने ना जाने एक ही बराबर है, तोता राम या गधे राम, जिंदगी भर वजन ढोते रहे लेकिन रामायण का वजन नहीं जानते, तोता राम गणित बस पाढ़ा सुनाते हैं, ये कैसे हुआ, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी आंसर तो बता देगा सही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट कैसे वर्कआउट नहीं बता पाएगा। देन इट कम्स मिस नॉट स्केप्टिक्स। एजुकेशन दो प्रकार की है, सद्विद्या स्केप्टिक्स, नॉलेज हाइलॉस ऑफ विजडम, मिथ्या माया इट इज एजुकेशन आस मिथ्स माइथोलॉजी नॉट थियोलॉजी माइथोलॉजी। ये है पुराण नपोरी खाते, रामायण आगे बढ़ता है तो महाभारत, हर घर में महाभारत रचनाकार, जब एक भाई दूसरे भाई को लंगड़ी मारता है तो महाभारत तो खड़ी होती है, और क्या होता है, झूठों की कहानियाँ। तभी तो आखिरी में 18वां पुराण आखिरी में गरुड़ पुराण लिख के ये कहते हैं कौओं को पिंडदान नहाए थे, जब आदमी साफ सुथरा है तो कौओं को पिंडदान का एक करना पड़ेगा, नपोरी खाते। आई एम सॉरी, मैं अपनी भावना बताने के लिए मेरा हिंदी मेरे एक्सप्रेशंस एक पर्टिकुलर ढंग इसलिए इस्तेमाल किया हूँ, मैं वाल्मीकि जी इस तरीका बोलूँ संस्कृत में यहाँ कोई समझ नहीं पाएंगे मोस्टली, और मैं तुलसीदास जी बनकर बोलूँ तो भी नहीं समझ पा रहा है, दिन रात अखंड भाव रामायण 24 घंटे में मार सुना दिया,
लेकिन एको बात नहीं समझ रहे हैं, ना कार्य में दिखता है ना कर्म, कर्म करते ही नहीं है, तो काहे की सुना रहे हो दूसरों को, जब खुद करना नहीं है तो क्यों सुना रहे हो। रामचरित मानस लिखे थे तुलसीदास जी ने, भैया उनको झुटलाओ नहीं, मेरे बच्चे हाँ बहुत सद्बुद्धि है लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ लो, प्रज्ञा ज्ञान सीख लो। रामचरित मानस, चरित्र से कौन सा चरित्र, राम, राम शब्द, राम आदमी नहीं है, मन की भावना है, निर्मल निष्कपट निर्विकार निरंकारी से कर्म, यह राम भावना है। जब जिसका मन में राम भावना हो, जिसका दिल में राम का भावना हो, तो वो है कोई हनुमंत कोई गरुकमंत, सद्बुद्धि है। और कोई कृष्ण कृष्ण, कोई राम, राम और कृष्ण दोनों बराबर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, कृष्ण पूर्ण पुरुष कहा गया है। ये क्या है, क्या मामला क्या है ये? दीज आर सर्कमफरेंस सेंसेस। वेद, वेद व्यास, वेद नॉलेज ऑफ व्यास, सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस साइंसेस है, लाइफ सर्कमफरेंस साइंसेस है। वेद मीन्स, प्रज्ञा ज्ञान मीन्स एचआरआई ट्राइंगल साइंस, एचआरआई ट्राइंगल ह्यू साइंस, ह्यू नो चीटिंग लव लाइफ ऑफ अनसेल्फिश डिजायर, नो चीटिंग पर्सन, दैट इज ह्यूमन। चीटिंग पर्सन इज नॉट, चीटिंग पर्सन इज डेविल, कपटी धोखेबाज मायावी राक्षस। निष्कपट दिव्य, निष्कपट ही दिव्य होता है, निष्कपट मानव दिव्य मानव महामानव होता है, मनुष्य जाति होता है वो, ये राक्षस जाति नहीं होता। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये परिचय है, उसे मानव कहते हैं। मानव मीन्स नो चीटिंग पर्सनैलिटी साइंस, ह्यूमन मीन्स मैन ऑफ ह्यू साइंस इज ह्यूमन, ह्यू साइंस मीन्स नो चीटिंग पर्सनैलिटी साइंस, नॉट चीटिंग लाइफ पर्सनैलिटी साइंस, इट इज नो चीटिंग लाइफ पर्सनैलिटी साइंस ह्यूमन। चीटिंग लाइफ पर्सनैलिटी साइंस इज मायावी कपटी धोखेबाज एजुकेशनास कुबुद्धि, विद्या में विज्ञान, मिथ्स मैथोलॉजी पुराण, नपोरी खाते, नपोरी खाते कह रहा हूँ, शायद आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं मेरी बात। पुराण में शिव पुराण, शिव जी का शंकर जी का शादी में बारात में क्या दिखाते हैं, नपोरों के सारी झूठी कहानियाँ उल्टी सीधी। हाँ गीता का ज्ञान, गीता ये गीता है क्या, टेल मी द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ गीता, सबमिट द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज साइंटिफिक साइंस, साइंटिफिक मीन्स फाइव साइंस, फाइव साइंस मीन्स इट इज मैथमेटिक्स, टेल मी मैथमेटिक्स दैट एक्सप्लेन्स एंड क्लियर्स गीता, भगवत गीता। हाँ इंग्लिश में मैं बोलूँ, ये सबमिट द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ बार, बार दैट डिलीवर्स लॉ ऑफ लॉजिक ट्रूथ थियोलॉजी द पीस साइंस द पीसफुल लाइफ साइंस इज रिलीजियन
of God's voice, of not only God, it is God's voice, the philosophy is the philosophy. Scientific proof. Submit mathematics of philosophy. Submit scientific proof of God. Submit scientific proof of religion. Scientific proof of theology and truth. Law of logic. And law of magic you submit, that is myths. It is mythology. It is of religions. God's philosophies. न जाने क्या क्या फिलासफीज होते हैं. फिलासफी एक ही होता है भाई. फिलासफीज कई नहीं होते, एक ही होता है. सत्य एक ही होता है, कई सत्य नहीं होती. प्रज्ञा एक ही होता है, दो भी नहीं हो सकते. कई की बात तो छोड़ो आप. हाँ, प्रज्ञा ज्ञान ये कैसे प्राप्त होता है? साइंटिफिक प्रूफ क्या है? यह शिवधनुष क्या है? इसका ज्ञान पता है? मैथमेटिक्स, लक्ष्मण रेखा ज्ञान, ये रेखा गणित है. समझाइए मैथमेटिक्स. ये ब्राह्मण्यत्व को मानवता को प्रदान करता है. मानवता कैसी आती है, कैसे मैथमेटिक्स है ना आपको नहीं मालूम, तो मानवता के बारे में क्यों कह रहा है? मानवता पाया हो तो मानव, जब मानवता ही नहीं बता पाए तो मानव क्या बताएंगे? ब्राह्मण्य तो मतलब मानवता. लक्ष्मण रेखा ज्ञान जब मिलता है तो मन, सद्बुद्धि और तेज धार हो जाता है. मन का बुद्धि मैथमेटिक्स बहुत तगड़ा हो जाता है, बहुत हिसाब करने में बहुत पक्का है. ट्रू मैथमेटिक्स. ह्यू साइंस हाई, नो चीटिंग. मनी मैनेजमेंट साइंस, नो चीटिंग. अकाउंट्स ऑफ मनी मैनेजमेंट साइंस इज इकोनॉमिक्स. मीन्स ऑफ ह्यू साइंस स्टोरी. Hugh Science high story, that is history. शाहजहान का बाप यह था, ये हुमायूं का यह था, ये history नहीं है. History means no cheating, money management, accounts, economics of no monkey business, no cheating. डी मोकरी, नो मंकी बिजनेस. सेंस साइंस, सी सेंस साइंस ऑफ डी मोकरी. डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यह बताता है नो चीटिंग साइंस अकाउंट्स का. और आप बता रहे हो वोट गिनती. पता नहीं ये कौन सी डेमोक्रेसी चल रही है यहाँ. वोट गिनती कहाँ से आ गई डेमोक्रेसी में? अरे भाई, जो पैसे देश के पैसा खर्च किए हो उसका हिसाब, एक एक पैसा हिसाब लो. और जब लंगड़ी मारी, पैसे मार दिया, रिकवरी कहाँ की हो? रिकवरी क्यों नहीं करते? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आगे क्यों नहीं भगाते? जितना खाया सब निकालो, उसमें परसेंटेज क्या मतलब? नरसिंहावतार काय के लिए बताई गई है? गजेंद्र बोस काय के लिए बताई गई है? जरा सोचो. याद दिला रहा हूं आपको, मालूम है सब. मैं याद दिलाना मेरा काम है बस. जब प्रज्ञा होता है, प्रज्ञा मन होता है, ये मन बहुत फरसा होता है. फरसा शरीर का तेज धार होता है. उनको कुल्हाड़ी ये सब मारने की जरूरत नहीं है. हिसाब इतना तगड़ा करेगा, अपने आप जितना खाया सब निकाल देगा. पावरफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, छोड़ दो, फाड़ के रख देंगे. मिनटों में निकल आएगा जितना खाया सब. रिकवरी कराओ. डोंट किल हिम, डोंट हैंग हिम टिल डेथ.
पुट हिम इन द सेल्यूलर जेल, लेट हिम डाई। अब हिम्मत हो किसी को, नेता भ्रष्ट होता है या ऑफिसर भ्रष्ट होता है तो दिखा दे बाद में। यह है रामराज, मुंह पे चप्पल मार। जो भाई भाई को लंगड़ी मारता है, पैसे हिसाब गड़बड़ करता है घर में या राजपाट में, उनके मुंह पे चप्पल मार। मुंह काला करो, गंजा करो, जूते के माला पहनाओ, दौड़ो, तब भी बेशरम है। सेल्यूलर जेल में बंद कर दो, लेट हिम डाई टिल डेथ। फिर बाद में दिखा दो कोई माय का लाल भ्रष्ट बनता हो। काय की भ्रष्टता, ये नपोरी खातों से तो भ्रष्टता ही भ्रष्टता। राजीव गांधी जी ने पहले ही बोल दिए थे, हम ये सेंटर से 1 रुपये भेजते हैं तो यहाँ पब्लिक को 10 पैसे आते हैं। भैया तू पहला आदमी है सत्य बोल रहे हो, चलो हमारे भारत को एक सत्य बोलने वाला मिल गया, बहुत खुश हो गए थे। जानते हैं फिर ये 90 पैसे गए कहाँ, आप हिसाब नहीं ले सकते भाई, ये देश लूट जाएगा। उगलवाओ सारी पैसे, फिर मारने वाले का सोचने वाला पैदा ही नहीं होगा समाज में। ये भ्रष्टों को छोड़ दे, धोबी जात को छोड़ दे। धोबी जात मतलब धोबी नहीं है वो कपड़े धोने वाला, ये सांकेतिक ज्ञान है। जिसका मन मलिन हो, मन मलिन है, ये पानी से नहीं धुलता, साबुन से नहीं धुलता, कुतर्क है, कपट है। उनको कहा है बक्सर, रामचंद्र जी ने यही गड़बड़ किया था, धोबी को कोई भी बख्शना नहीं चाहिए, यह राक्षस जात है। तो भ्रष्टता पहली, भ्रष्टता उन्मूलन करना है। कम डाउन, हनुमान जी को रामचंद्र जी ने यो दी थी, भरत जैसा भाई, लक्ष्मण से लक्ष्मण जैसा भाई नहीं कहा उन्होंने। जो पुलिस ऑफिसर पहली स्टेज में मारुतुल्य वेगम, जहाँ क्राइम हो रहा है वहाँ मारुतुल्य वेगम से पहुँचो, जो राक्षस मिले तो वहीं गोली मार दो। डिसीशन करने के लिए जज साहब के लिए छोड़ दो, महाविष्णु वहाँ बैठे हैं, जज साहब होते हैं, वो गर्भमंत होते हैं। क्लास 1 ऑफिसर इज वो, 5 सर इज ऑफिसर, 5 साइंस। क्लास 2 गेस्टेड ऑफिसर इज पुलिस हनुमंत। कहो तो हनुमान जी अकेले काफ़ी थे रावण को मार के सीता जी को उठा लाने का, वो कार्य नहीं किया, वो जज साहब करेंगे। अपना जो अड़ंगे डाले ये सब किए तो उनको सिखाया, लंका को जला दिया, उसके लिए रामचंद्र जी से परमिशन नहीं लिया उसने। जब पुलिस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो काहे कि जज साहब आदेश दे तो हम फायर करें, ये कौन से कानून है। फर्स्ट एड, शूट हिम एट फर्स्ट साइट व्हेन ही इज नॉट कंट्रोलेबल। पुलिस को ये अधिकार नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, कभी कोई कंट्रोल नहीं कर सकते काम। जो रेड हैंडेडली पकड़ना है, मारुतुल्य वेगम में जाना है। अब कुंभकर्ण बैठे हैं, 6 महीने भोंपू बजावे तो सुने, अब बोलेगा हाँ नींद खुल गई, अब बोलो क्या कह रहे हो, 6 महीने से एप्लीकेशन दे रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, इन्हें ऑफिसर कहते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसी लोगों को ऑफिसर कहने में। ये तो रावण के औलाद है, कुंभकर्ण है, कोई सूर्पण का कोई कुंभकर्ण, विद्यावान है लेकिन सब वनराज, पढ़े लिखे हैं, प्रज्ञा ज्ञान कहाँ है, शिवधनुष का ज्ञान कहाँ है रावण को। हाँ अब मैं थोड़ा सा विराम देने के लिए पहले थोड़ा सा कहता हूँ, लक्ष्मण रेखा ज्ञान शिवधनुष है, ये 2 टुकड़े में होती है।
महिरावण अहिरावण, राम अवतार से मानव रूप में महिरावण को मार सका। अभी अहिरावण बचा हुआ है, अहिरावण माफिया होता है, यह बड़ा घनघोर चीज़ है। भगवान मानव रूप में आकर क्या क्या दिक्कतें नहीं झेला एक महिरावण को मारने के लिए। अब ये माफिया गैंग्स को ख़त्म करने के लिए भगवान कौन सी रूप में आना होगा, आप सोचिए। फरसाराम आएंगे, फरसाराम कौन है हिसाब करने वाला? गणपति, गणन ज्ञानपति, लक्ष्मी गणन ज्ञानपति, गणपति लक्ष्मी नारायण, महाविष्णु उतरेगा तब हिसाब करेगा। हाँ, ये गणपति कैसे बनते हैं? साइंटिफिक प्रूफ, साइंट व्हाट इज द साइंटिफिक प्रूफ ऑफ गणपति? हाथी के सिर प्रत्यारोपण कैसे किए हो, कैसे करना होता है मालूम है? हाथी का सिर प्रत्यारोपण कैसे करना है, गणपति कैसे बनेंगे? गणपति है सुपर हीरो, महामानव फरसाराम। गणपति का अस्त्र फरसा है, हिसाब हिसाब लगाओ, इंगे अकाउंट्स है, मनी मैनेजमेंट साइंस है, बिठाओ आईटी ऑफिसर को। ये अंधों का हाथी बताने वाला वो अकाउंटेंट नहीं होता, हाथी को पूरा नाप के आएगा, एक रूप में प्रस्तुत करेगा। रावण की धमकियों से नारद ना डरे, मानस पुत्र है नहीं डरेगा, निडर होता है मनुष्य जाति का पुत्र, निडर होता है, डरपोक नहीं होता, बॉडीगार्ड्स लेके नहीं चलता, दुबके नहीं रहता, सुरक्षा में नहीं रहता, खुले रहता, क्योंकि ब्राह्मण आप देखे पंडे बाबा घूमते हैं, बस धोती रहता है और विभूति रहता है, ये लोग रगड़े तो विभूति गिरेगी और कुछ नहीं होता इनके पास, घर जाके देखो ये भोले हैं, ये जोगी हैं, योगी नहीं, जोगी, जोगी ज्ञान प्रज्ञा ज्ञान, जोगी होता है, जोग होता है, जोगी होता है, आत्मज्ञानी होते हैं, योग योगी विद्या है। सो मैं लिखूं महती, मेरा लेखनी महती है, एक तारा नारद के हाथ में एक तारा होता है, मैं सरस्वती नहीं लिखता, मैं सात स्वरों का वीणा नहीं बजाता, मैं वाणी देता हूँ, प्रज्ञा बोलता हूँ। नारद जी का एक तारा प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा क्या है? अखंड, प्रकांड, परिपूर्ण, शून्य ज्ञान, प्रा ज्ञान प्रज्ञा, खंडित प्रकांड, संपूर्ण शून्य, मिथ्या माया कपटी ज्ञान। थैंक यू सर, बाकी विस्तार में हम पूरी रामायण को प्रस्तुत करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड नॉलेज, द डिफरेंस बिटवीन मिथ्या ज्ञान एंड प्रज्ञा ज्ञान प्रस्तुत करेंगे, साइंटिफिक प्रूफ ऑफ नॉलेज हाई लॉस ऑफ विजडम एंड एजुकेशन लॉस। वन इज फाइमेड, अनदर इज पिरामिड, पिरामिड साइंस डिलीवर्स चीट्स, फाइमेड साइंस डिलीवर्स फाइव साइंसेस, इवोल्यूशनरी क्रॉस लाइफ साइंसेस, द मोस्ट इवोल्यूशनरी क्रॉस लाइफ साइंसेस, द
today's expectancies and in future we will have these sciences. आज तक पिरामिड्स बन चुके हैं लेकिन पिरामिड बन नहीं पाया क्योंकि हाथी का सिर प्रत्यारोपण किसी को आता नहीं है, शिव धनुष को पूरा बना नहीं पाते, वो बनी थी अधूरी थी, टूट गई, टूटी थी। जनक महाराज उसमें एक लड़की को पाले थे, इंडक्शन साइंस मिली, इंडक्शन साइंस से सीता जी उद्भव हुई, उस लड़की जानकी बन के निकली है बाहर, लेकिन उसमें कमज़ोर थी, रावण को बाया हुए को कपटा कपटी को बातों में आ गई थी, यही तो कमी थी। मैंने शिवधनुष ऐसी होती है जो यह मायावी बातों में कभी ना आएगी, लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगी। धोखेबाज धोखे से सीता जी को लक्ष्मण रेखा पार कराया था रावण, और कहता है राम से तू सबूत दे दे, सीता मेरे पीछे आ गई थी, मैंने नहीं लेके आया था, वो लक्ष्मण रेखा वो पार करी थी, मैंने थोड़ी कही थी पार करो। ये है चालाकी, दिस इज व्हाइट कॉलर्ड क्राइम, पढ़े लिखे महान खतरनाक माफिया होते हैं ये इतना झूठे होते हैं, ये कभी सत्य नहीं उगलेंगे, और उनसे सत्य नहीं उगलवा सका तो काहे की नारायण। हाँ, शिवधनुष दो टुकड़ों से बनता है, एक महिरावण है एक अहिरावण है। अहिरावण का किस्से में आते हैं, गणपति का सूंड किधर घूमा है कोई पूछता है मेरे से, कोई पूछता है कौन सी दांत काटोगे भैया। फाइव साइंस जो है, इट इज़ प्रिवेंटिव लाइफ साइंस, इट इज़ ह्यूमन लाइफ साइंस, लॉ ऑफ लॉजिक, प्रिवेंटिव लाइफ साइंस ऑफ नो टॉर्चर नो पनिशमेंट। तो एक दांत काटेंगे, कौन सा जरा पढ़ ले आप लोग फिर से, आरती संग्रह, कौन सी भुजा काटे तो क्या होता है। अहिरावण का हिस्से में अब कब संत जन थारे छोड़ो, राक्षस जन को संहारो, कृष्ण जी का अवतार सामने आता है, क्योंकि ये पूर्ण पुरुष है, परिपूर्ण पुरुष है, अंड पिंड ब्रह्मांड, अंडाकार में मूवमेंट है ब्रह्मा का, वो परिपूर्ण शून्य ज्ञान देता है, वही परम सत्य है, सत्य ज्ञान है, प्रज्ञा है। हाँ, इसके बारे में सॉरी, मैंने आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं बंबई फिल्मी लैंग्वेज इस्तेमाल किया हूँ ताकि आज आम आदमी समझ सके, मैं पूरी इंग्लिश में बोलूँ नहीं समझ में आएगा, मैं हिंदी में बोलूँ मद्रासी वैसे ही समझ में नहीं आएगा, मैं मद्रासी कहते हैं मेरे को लोग, मैं मद्रासी नहीं हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ, बचपना वहाँ बीता है मेरा, मेरा मदर टंग दूसरा है, मैं हिंदी अभी अभी सीखा हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन संस्कृत मालूम है तो समझ लेता हूँ। सो मैंने फिल्मी भाषा जो आज आम आदमी समझने के लिए ये इस तरह से रफ लैंग्वेज, ये गंवार बनती भाषा बोलने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि तुलसीदास कह कह के मर गए, लेकिन वो बात समझ में नहीं आ रही लोगों को, आज समाज इतना गिर चुका है। संस्कृत तो गोली मारी है, वाल्मीकि जी जो कह गए उनको किसी को समझ में आना नहीं है। हाँ, मैं बहुत बड़ा ये बात नहीं है, मैं वाल्मीकि जी का एक कुछ अंश समझ पाया हूँ, इतने ही मेरा ज्ञान है, और बहुत समझने के लिए बहुत समझना है मेरे को,
मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं जो जाना हूँ आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। ये सुनने वाले बेवकूफ़ नहीं होते, मैं जानता हूँ मेरे गुरु लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं। मेरा प्रणाम।